पर्यावरण स्वीकृत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा हाता के तीतला में जनसुनवाई का आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पोटका के हाता खपरसाही स्थित शाह स्पंज एंड पावर लिमिटेड का प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना मिनी स्टील प्लांट का झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा हाता के तीतला में जनसुनवाई का आयोजन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। एसएआर दीपक कुमार की अध्यक्षता में जनसुनवाई शुरुआत हुई, जिसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के क्षेत्रीय पदाधिकारी राम कुमार, अंचल अधिकारी निकिता वाला आदि उपस्थित रहे। जनसुनवाई कार्यक्रम में सहासगंज प्लांट एरिया के अगल बगल क्षेत्र में सैकड़ों संख्या में लोगों की उपस्थिति में जनसुनवाई प्रारंभ हुई। इसमें क्षेत्र के जिला परिषद सूरज मंडल, पूर्व जिला परिषद चंद्रावती महतो, सुनील महतो, साथ में मुखिया, ग्राम प्रधान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कंपनी के द्वारा विस्तारीकरण की रूपरेखा ग्रामीणों के सामने रखी, जिसके बाद जनसुनवाई में उपस्थित जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद, विभिन्न गांव के मुखिया, विभिन्न गांव के ग्राम प्रधानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कंपनी का विस्तारीकरण होना चाहिए एवं कंपनी को प्रदूषण पर विशेष ध्यान की जरूरत है। जनसुनवाई में कंपनी के अगल बगल क्षेत्र के ग्रामीण लोगों ने अपनी बातों और समस्या को जनसुनवाई में विस्तार पूर्वक रखा। उपस्थित लोगों ने कहा कि कंपनी के विस्तारीकरण से लोगों को काफी रोजगार मिलेगा और रोजगार करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी के विकास से हम लोग काफी खुश हैं। वहीं जनसुनवाई में कुछ लोगों ने विरोध भी किया। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। कंपनी का अगर विस्तारीकरण होता है तो जैसे हमारे झारखंड सरकार की जो अभी पॉलिसी चलाएं सरकार की तरफ से 75% हमारे स्थानीय को नौकरी मिलेगी और जो भी कंपनी में जैसा जिस लेवल में जरूरत होगा नौकरी का, हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी कि वहाँ उस जगह में हमारे स्थानीय लोगों का नौकरी हो। कंपनी बैठना भी चाहिए, लेकिन नहीं बैठना चाहिए। साथ में मेरा एक ही कहना है, कंपनी को प्रदूषण का बारे में बहुत सारे लोग बोला, इसमें विशेष करके प्रदूषण का बारे में देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये हम कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, कंपनी नहीं बैठे उसका विरोध नहीं कर रहे, कंपनी बैठे रहे और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोग, मान लीजिए विस्तार रिपोर्ट हो रहा, उसमें अभी आदमी चाहिए, मजदूर चाहिए, उस मजदूर कटा के योग्यता के अनुसार जो लोकल एरिया, लोकल क्षेत्र, जो कसब क्षेत्र होता है, उस कसब क्षेत्र से ही हमारे मजदूर को या जो योग्यता के अनुसार है उनको पहले किसान सुनना चाहिए। बस ये नहीं कहूँगा, समर्थन करता हूँ। पहले तो हमारा कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो विस्तारीकरण का जो सोचा है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ का युवा बहुत धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं खेती बाड़ी का स्थिति अभी यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ एकमात्र बचा हुआ है रोजगार। अगर रोजगार नहीं होगा तो आदमी कैसे करके चलेगा। अभी एक आदमी का कम से कम मिनिमम रोजगार होना चाहिए ताकि एक परिवार चल सके। इसके लिए हम लोग को पहला है कि इस क्षेत्रों में देख रहे हैं कृषि का तो कोई ये नहीं है, बारिश कब हो रहा नहीं हो रहा। अब इस क्षेत्र में एक कंपनी था सीमेंट प्लांट, वो बंद हो चुका है, उसका बहुत सारा लेबर बेरोजगार होकर आज पलायन कर चुका है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं, कहीं जाकर बाहर में आदिपुर में काम कर रहा है, कोई टाटा में काम कर रहा है, कोई बाहर में कोई दूसरा जगह में काम कर रहा है। आज हम लोग अगर यहाँ विस्तारीकरण करेंगे तो ये कंपनी बढ़ेगी और सारा आदमी को रोजगार देगा, और हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग का जितना भी युवा है वो लोग आगे आए और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से करें ताकि हम अच्छा से यहाँ जॉब ले सकें। ऐसा नहीं सोचे कि हम यही बेलचा ही मारते रहेंगे। हम युवा लोग को ये भी बोलना चाहते हैं, मेरा जितना भी युवा भाई है, अभी जो ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है, वो टेक्निकल लाइन पढ़े और आकर यहाँ युवा आकर नौकरी मांगे कि मैं टेक्निकल किया हूँ, मुझे टेक्निकल लाइन का नौकरी चाहिए। क्योंकि यहाँ देखते हैं ज़्यादातर मेरा आता है मेरे को बेलचा कर दीजिए, ये दीजिए, ये सब हम लोग को खराब लगता है, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई उतना है नहीं। मैं विस्तारीकरण होना चाहिए। हाँ, विस्तारीकरण होना चाहिए और यहाँ का युवा को भी रोजगार मिलना चाहिए, जो टेक्निकल लाइन से है उसको, जो पद उनका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। कुछ सपोर्ट में कुछ विरोध में बातें आती हैं, उसी के तहत जनसुनवाई हुई है। किस चीज़ के तहत जनसुनवाई सर? ये साहस पंजारन का लोक सुनवाई थी, उसके विस्तारीकरण परियोजना के सुनवाई। क्या 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 विस्तारीकरण हुआ? क्या विस्तारीकरण हुआ इसमें? स्पंजारन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोलिंग मिल का लगेगा उसका बढ़ेगा और फिर एलवाइज भी बढ़ेगा। अभी कितना कैपिटल? अभी 100x2 का है। लोगों ने सर अपनी क्या बातें रखी? लोगों ने अपनी बात रखी कि प्रदूषण कम हो, प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही इकाई का विस्तारीकरण। धन्यवाद। अच्छा, राम प्रवेश लोग
अगल बगल के सभी जगहों से आए हुए थे। इसमें हमारा जो प्लांट एग्जिस्टिंग जो लेजिटिमेट वायलेशंस है उसमें जो एक्सपेंशन है इसके लिए जनसुनवाई की गई थी। इसमें पहले से और आगे आपको विस्तारीकरण के बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगा, लोगों में रोजगार बढ़ेगा, ताकि और अन्य काम साथ के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या क्या एक्सटेंशन किया जा रहा है इसमें? अभी हमारे यहाँ पे जो प्लानिंग में दिया गया है कि क्लीन बैठेगा, उसके बाद फेरोलाइज है, रोलिंग मिल है, ये सब पावर प्लांट है, ये सब एक्सपेंशन में जाएगा। कितना लोगों को रोजगार मिलेगी सर इस तरह? ये अगर प्लांट फुल फ्लेज्ड एक्सपेंडेड हो जाएगा तो लगभग में 6 से 7 हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा। कितना दिन तक होगा? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।